हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वसई फोर्ट, जो कि वसई विरार एरिया में स्थित है और जो कि मुंबई के पास है। पहले इस फोर्ट में पहुँचने के लिए आपको मैं रास्ता बताता हूँ कि आपको इस फोर्ट पे कैसे पहुँचना है। इस फोर्ट में आने के लिए आपको वसई स्टेशन पे आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, उससे पहले आपको वसई स्टेशन आना पड़ेगा। वसई स्टेशन आने के बाद आप वसई स्टेशन से बस ले सकते हैं और आप ऑटो ले सकते हैं और आप प्राइवेट ऑटो भी ले सकते हैं वसई स्टेशन से। बस आई थिंक 20 to 30 rupees बस ले चार्जेज लेती है और उसके बाद ऑटो शेयरिंग ऑटो आई थिंक 80 rupees लेता है। और अगर आप प्राइवेट ऑटो लेके आएंगे आई थिंक 120 या 140 rupees प्राइवेट ऑटो लेते हैं। और अगर आप अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं उसके लिए भी आप बाई रोड वसई वेस्ट में आ सकते हैं। ये वसई वेस्ट में है और वसई वेस्ट में आने के बाद आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि वसई फोर्ट कहाँ पर है और वसई फोर्ट कहाँ पर स्थित है। आप वहाँ पर किसी से भी पूछेंगे तो आपको कोई भी बता देगा। आप फिर वसई फोर्ट आ सकते हैं ईजली। फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद आप जैसे ही राइट लेते हैं, जो कि अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया मैंने, जैसे फर्स्ट फ्रेम था वो राइट, जैसे आप राइट टर्न लेंगे तो आपको वसई फोर्ट स्टार्ट हो जाता है। वसई फोर्ट भी आपको टाइमिंग बता देता हूँ मैं कि वसई फोर्ट का टाइमिंग क्या होता है। वैसे तो ये 24 आवर्स तो नहीं ओपन होता क्योंकि इसे काफ़ी घना है, काफ़ी जंगल है अंदर, काफ़ी सिक्योरिटी रीजन से इसलिए मना करते हैं ना, 24 आवर्स नहीं होता। इसका टाइमिंग है 9 AM, सुबह 9 AM से खुल जाता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। शाम को 6 बजे के बाद आपको यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आपको बोलने लगे कि भैया क्लोज हो गया है, आप अभी जा सकते हैं। कुछ इसके बारे में बताता हूँ कि ये कब बना था, बना कब था, कंस्ट्रक्शन इसका कब हुआ था। वसई फोर्ट 1184 ईस्वी में ये बनाया गया था यादवा राजवंश के द्वारा। ये वसई फोर्ट 1184 में बनाया गया था। यादवा राजवंश के पास ये फोर्ट रहा है 1432 ईस्वी तक। उसके बाद ये फोर्ट चला गया है गुजरात सुल्तनत के कब्जे में। फिर उसके बाद ये फोर्ट कब्जे में आ गया था पुर्तगीज लोगों के, जब इंडिया में पुर्तगीज आए थे। ये फोर्ट अभी पुर्तगीज के पास आ गया था 1534 ईस्वी से लेके 1739 ईस्वी तक ये फोर्ट पुर्तगीज के पास रहा। 1739 ईस्वी से लेके 1818 ईस्वी तक ये फोर्ट मराठा साम्राज्य के पास रहा है। फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य के बाद ये फोर्ट चला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसके बाद इस फोर्ट पे कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि 1818 से लेके 1857 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फोर्ट को ब्रिटिश राज, ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने इस फोर्ट को अपने कब्जे में लिया 1857 से लेके फिर जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिली तब तक ये फोर्ट उन्हीं के पास रहा, उन्हीं के साम्राज्य में रहा और उन्हीं लोगों ने इस फोर्ट के ऊपर राज किया, जो कि ये था 1857 से लेके 1947 तक। अब उसके बाद जैसे ही देश आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद इंडिया की आज़ादी के बाद ये फोर्ट अभी चला गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अब इस फोर्ट का ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अभी ये फोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। रही बात इसकी कंडीशन की, कैसे इसकी कंडीशन है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं इसकी कंडीशन इस टाइम पे काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो जैसे मैं गया, जो मैंने देखा वहाँ पे, जैसे आप भी खुद देख रहे हैं, आपने स्टार्टिंग से देखा ये फोर्ट, स्टार्टिंग से आप देखते ही आ रही है, आपने काफ़ी कुछ देखा इसमें कि ये जो है ना अभी एक खंडर की तरह दिखने लगा है। मैं आई थिंक मैं इसको खंडर ही बोल सकता हूँ, पूरा एक खंडर ही हो गया। जैसे आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा, जैसे स्टार्टिंग में आपको दिखाया मैंने, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट इसी के अंदर जो सेकेंड बिल्डिंग दिखाई, फिर उसके बाद थर्ड बिल्डिंग आपको दिखाई मैंने। जैसे आप देखते आ रहे हैं इसमें, ये पूरा एक खंडर की तरह ये दिखाई दे रहा है आज के टाइम पे।
सो अभी आगे इस पे आप चल के देखते हैं। और एक चीज मैं आपको और ऐड कर देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं, लाइक अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फैमिली ट्रिप करूँ और अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आऊँ और फैमिली को ये किला दिखाऊँ और काफ़ी अच्छा लगेगा फैमिली को, सो आई थिंक मेरी तरफ से तो मैं एक बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी इस तरह यहाँ पे आके नहीं देख सकते। ये अभी कुछ बचा नहीं है, जो मुझे वहाँ पे जाने के बाद फील हुआ कि अभी इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है देखने के लिए कि अब आप देखे और आए। और रही बात कपल्स की, कपल्स मैंने देखे हैं वहाँ पे, कपल्स काफ़ी थे वहाँ पे और कपल काफ़ी है यहाँ पे जो मैंने देखे हैं, काफ़ी कपल्स काफ़ी मिले हैं। और कपल्स को देखने से लगता है कि कपल्स लोग इधर आ सकते हैं, कपल्स लोग इधर आते भी है, बैठते भी है और अपना टाइम स्पेंड भी करते हैं कपल्स लोग। काफ़ी कपल्स आते हैं, देखते हैं इसको और काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं कपल्स। तो कपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कपल्स लोग इधर जा सकते हैं और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक सो कि फैमिली को इधर आना चाहिए, फैमिली को इधर आके देखना चाहिए। वैसे अगर आप आना चाहिए और बस्ती के आसपास है सो आई थिंक 1 आवर हाफ एन आवर उधर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पे एक मंदिर भी है, फोर्ट के अंदर ही एक मंदिर भी है, तो लोग आते हैं छोटे उधर के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं मंदिर में, मंदिर में आके पूजा करते हैं। और छोटा मोटा खाने के लिए भी उधर है अरेंजमेंट, कोई आइसक्रीम वैसा छोटा मोटा वड़ा पाव वो सब छोटा मोटा सामान है उधर खाने के लिए। बट वैसे मेरे हिसाब से जैसे इसको बोला जाता है टूरिस्ट अट्रैक्शन इन वसई विरार, इस लिहाज से ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन वसई एंड विरार। ये जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी घना जंगल है और यहाँ पे सिक्योरिटी का भी इशू है। आई थिंक अगर आप लेट नाइट रहेंगे तो आई थिंक सो कोई एनिमल्स आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है। वैसे मैंने किसी से पूछा नहीं बट मुझे लगता है कि ये इतना घना जंगल है तो कोई ना कोई तो जंगली जानवर इसमें रहता ही रहेगा। सो जैसे अभी हम वॉक करके आगे आते हैं सो ये देखते हैं, ये इसमें एक पुराना चर्च था। सो उस टाइम पे जो जब ये बनाया गया था उस टाइम पे इसके अंदर ये चर्च था, जो कि आज के टाइम पे आप देख सकते हैं ये पूरा खंडर हो गया है चर्च, अभी ये किसी भी काम का नहीं रहा है। चलो इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर आके देखते हैं। इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है इसमें। तो ये इस टाइप का चर्च, आई थिंक वहाँ पे प्रेयर होती होगी, वहाँ पे प्रेयर करते होंगे, वहाँ पे बैठते होंगे, जैसा भी रहेगा। ये कुछ गुफा है इसके अंदर, अंदर जाने के लिए आई थिंक ऊपर जाने के लिए टावर में जाने के लिए सीढ़ियाँ होंगी, गुफा टाइप बना रखा है। सो ये इस तरह का है और कंस्ट्रक्शन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है ना पत्थरों से बनाया गया है, इस पर कोई ईंट या कॉन्क्रीट ऐसा कुछ यूज नहीं हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा पत्थरों से बनाया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। और दिखने में काफ़ी अच्छा ऐसा नहीं है। तो ये उस टाइम पे जब ये काफ़ी साफ़ सुथरा रहा होगा, काफ़ी वेल मेंटेन्ड होगा उस टाइम पे, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता होगा जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मुझे लगता है। उसके बाद जैसे जैसे ये अलग अलग राजवंश के पास गया, जैसे कि यादवा के पास था, जैसे यादवा ने बनाया, फिर उसके बाद यादव गुजरात, गुजरात के पास पुर्तगाल, मराठा, मराठा के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद ब्रिटिश, तो तब तो बहुत अच्छा लगता होगा। अब आज़ादी के बाद इसको मेंटेन नहीं किया गया। ये इसके देखिए गेट है जो कि काफ़ी पुराने गेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी पुराना बना हुआ है, ये लकड़ी और लोहे से गेट बनाए गए हैं और आज भी खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतना पुराना किला होने के बावजूद भी इसके गेट खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मजबूती से बनाया गया होगा उस टाइम पे, सो जो ताकि आज भी इसके गेट खड़े हैं। ये देखिए इसका सेकंड गेट है, ये देखने में पूरा वैसे तो खंडर ही हो गया है पर अभी तक भी गेट खड़े हुए हैं। ये देखो कैसे पूरा लोहे का गेट बनाया गया है, ये लोहे का इसके ऊपर एंगल लगाई हुई है, लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर लोहे की एंगल लगाई गई हुई है। तो ये इसका मेन गेट है जो कि बीच के पास है, वसई बीच की साइड इसका मेन गेट है। चलो ऊपर चल के देखते हैं, अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर से इसका कैसा व्यू आता है, इसमें ऊपर में जाके है कैसा। ओहो
अभी देखते हैं ऊपर आके ये व्यू आया है इसका। ये बैक साइड में सी है और उसके बैक साइड में जो आप देख रहे हैं वो मुंबई का एरिया है, वो मुंबई है। और ये बोट्स है, काफ़ी शिप है, बोट्स है छोटी छोटी, वो इसमें शिप के अंदर सॉरी सी के अंदर खड़ी हुई है। तो चलिए अभी आगे नीचे चलते हैं और देखते हैं इसमें आगे जाके क्या है। ये जैसे कि आपको दिखाया था मैंने, ये चर्च है। सो चलो अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय द वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।